ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଏବେ ଟକ୍ଟକ୍ ହୋଇ ଫୁଟୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ବହ୍ନି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ଦରକାର। ମା ମାଟି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଯବାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶୂନ୍ୟ ହେଉ ବିଶ୍ୱ। ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଅଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆଯିବ। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, ନା କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦକୁ ଓ ଶହୀଦ ପରିବାରକୁ ସଲାମ କରିବା ସହ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମୋଦି ସରକାର ହଲ୍ଲାବୋଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସେନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଜୁଟ୍ ରହିଛି ଓ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନିଜ ମାଟିରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ। ଭାରତରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବନି। ବିକାଶ ପଥରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଭାରତ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସେହିପରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୂଳପୋଛ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ, କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇ ଲଢ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୂଳପୋଛ ହେବ। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मोबाइल पीछे करा हुआ सॉरी यार पीछे जाओ मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू टेक एन असेसमेंट एंड डिस्कस द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन पुलवामा येस्टरडे इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ सीआरपीएफ पर्सनल सैक्रिफाइज देयर लाइव्स The CCS observed 2 minute silence in the memory of those who laid down their life by making the supreme sacrifice for this country. It placed on record its deep gratitude of the whole nation to those who have made this sacrifice. कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में यहाँ सीआरपीएफ के जवानों पर जो अति दुखद व अति कष्टदायक एवं दिल को दहलाने वाला बड़ा ये आतंकी हमला हुआ है, जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं और जिसकी खबर मिलते ही फिर कल से पूरा देश बहुत ज़्यादा गम में है व काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी है। इस हुई अति दर्दनाक व अति चिंताजनक आतंकी घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और साथ ही इस दुख व गम की घड़ी में शहीद हुए परिवार के साथ भी खड़ी है। इसके साथ ही इस घटना को अति गंभीरता से लेते हुए हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी ये विनम्र अनुरोध करती हैं कि वे ऐसे विकट के समय में अपने केवल आज के ही नहीं बल्कि इस घटना से जुड़े इसके वास्तविक तारों तक पहुंचने तक अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित करके और साथ ही अब अपने चुनावी स्वार्थ व द्वेषपूर्ण राजनीति को भी बंद करके तथा दुनिया के खासकर सभी शांति व अमन पसंद देशों को भी साथ में लेकर अब इनको इस समस्या से निपटने के लिए इसका कोई ना कोई स्थायी हल जरूर निकालना चाहिए। पाकिस्तान अपनी हरकत पे है, भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए उनकी कोशिश हो रही है। काल एक दुखद घटना हुई है, सारा देश उस बलिदान को मन से आदर करता है, मन से श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। आज हम लोग माँ समलई के पास आके दीप दान करके ऐसे शहीदों को हमने श्रद्धांजलि दिया। इन शहीदों की श्रद्धांजलि देश के लिए हुई है, देश उनके पास कृतज्ञ रहेगा और उस बलिदान कभी व्यर्थ नहीं होगा। भारत हमारी शत्रुओं को उचित जवाब देगी। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए और सजा याफ्ता भी जरूर करना चाहिए, लेकिन 7x7 इसका